इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं हाउ टू प्रिपेयर CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन फॉर लाइफ साइंस 2023 बैच। ये एग्जामिनेशन जो है होने वाला है 2023 में, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। मैं कुछ अपने तरीके से कुछ टिप्स देने वाला हूं, जिसकी मदद से जो है आप क्रैक कर सकते हैं CSIR को बहुत ही आसानी से। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप CSIR की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये समझना जरूरी है कि CSIR एग्जामिनेशन में तीन सेक्शंस होते हैं, ए, बी और सी। इन तीनों सेक्शंस में कई बार ये क्वेरी आती है कि आखिर कौन से सेक्शंस पे ज्यादा फोकस करें और कौन से कम फोकस करें। तो एवरी सेक्शन आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू फोकस इक्वली ऑन ईच एंड एवरी सेक्शन। बट हाँ, अगर आप चाहें तो आप सी सेक्शन पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि द परसेंटेज या जो मार्क्स का कवरेज होता है वो सी सेक्शन में ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोर्सेज की, तो सोर्सेज के ऊपर जब हम चलते हैं तो हमारे पास सोर्सेज तीन तरीके के हो सकते हैं। या तो आप रिपीटर हो, जिसके पास किसी ना किसी कोचिंग का मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, या तो आप जो है सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। आप जो जिस भी सोर्सेज से यहाँ पे पढ़ते हैं, कुछ बुक्स मार्केट में अवेलेबल भी हैं, पाथफाइंडर और अदर बुक्स भी हैं, आप उनके थ्रू भी जो है अपने बेसिक्स को लर्न कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक्स जो आपके मार्केट में अवेलेबल हैं, दे आर फॉर बेसिक्स ओनली। एडवांस स्टडीज के लिए, एक्सपेरिमेंटल केसेस के लिए आपको कहीं ना कहीं से क्लासेस लेनी पड़ सकती है। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि यस दे कैन प्रिपेयर सेल्फ बाय सेल्फ, बट ऐसा होता है कि यस आप सेल्फ प्रिपरेशन तो करेंगे, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम जो है कौन से टॉपिक को अवॉइड करें और कौन से टॉपिक को अवॉइड ना करें। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अपने तरीके से अगर कर रहे हैं आप, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू जा सकते हैं टू फाइंड आउट दोज टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पता करने के लिए आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पकड़िए, उनको देखिए और उनसे टॉपिक्स को नोट डाउन करिए कि आखिर ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है जो ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। इन सब के अलावा आप क्या कर सकते हैं, सोर्सेज आपने ढूंढ लिए, या तो ऑनलाइन लीजिए या तो किसी कोचिंग के मटेरियल्स की बात करें। इन सब के अलावा आपने आइडेंटिफाई कर लिया कौन कौन से इक्वली टॉपिक इंपॉर्टेंट है, खुद आइडेंटिफाई करिए PYQ से। सो इन दोनों स्टेप्स के बाद हम बात करते हैं कि तीसरा स्टेप आपके पास क्या होना चाहिए। द थर्ड स्टेप शुड बी योर SPR अप्रोच। व्हाट इज SPR अप्रोच? स्टडी अप्रोच के ऊपर जब हम बात करते हैं तो दैट SPR अप्रोच में S मीन्स स्टडी, P मीन्स प्रैक्टिस एंड R मीन्स रिकॉलिंग। स्टडी, प्रैक्टिस और रिकॉलिंग के ऊपर जब हम बात करें तो पहला काम आपका होना चाहिए पढ़ना, दैट इज स्टडी करना। सोर्सेज आपको मैंने बताया, या तो आप किसी कोचिंग के मटेरियल को लीजिए या जो है ऑनलाइन परचेज करिए या गूगल की हेल्प लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के लिए कई सारे लोग सिर्फ PYQs या सिर्फ CSIR के क्वेश्चंस प्रेफर करते हैं, बट ये नहीं करना है। प्रैक्टिस करने के लिए पहली बात तो आपको टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करना है। टाइम लिमिट प्रैक्टिस करेंगे कैसे, ताकि आप देखिए CSIR में आपको एक क्वेश्चन पे करने के लिए मैक्सिमली 4 से 5 मिनट मिलते हैं, अगर आप और करें कट डाउन करें तो 3 से 4 मिनट। तो आप CSIR के क्वेश्चन को जब घर पे भी बैठ के करें तो इसी विद इन टाइम लिमिट में करें, सो दैट कि आप उसी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सके, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम ना हो। तो प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम बायोलॉजी, फ्रॉम लाइफ साइंस, फ्रॉम एनी एग्जाम, गेट, DBT, CSIR, ICMR, ICAR, TIFR, किसी भी एग्जाम से आप जहां भी क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको सॉल्व करें। स्टडी कर लिया आपने, प्रैक्टिस किया और रिकॉलिंग। रिकॉलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रिवीजन। रिवीजन क्या होता है, हम किसी चीज को देख के करते हैं, बट रिकॉलिंग का मतलब है हमने पहले पढ़ लिया और दिमाग से उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट देखे। तो ये अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपके ब्रेन से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने का जो स्किल होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने का जो स्किल होता है, उसमें जो नॉलेज चाहिए वो रिकॉलिंग से ज्यादा बेटर जो है वो आप उसको गेन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको रिकॉलिंग अप्रोच फॉलो करना है। जितना भी आपने डे वाइज पढ़ा उसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और उसको बिना देखे जो है आप रिकॉल करें। ट्राई टू फॉलो दिस SPR पर डे। ऐसा नहीं कि आज जो आपने पढ़ा है उसको जो है कल और परसों प्रैक्टिस करना है, जो आपने आज पढ़ा है उसके क्वेश्चंस आज ही प्रैक्टिस होने चाहिए और आज ही उसको रिकॉल करना है। सो आफ्टर सोर्सेज कि आपने पढ़ना, आपको पढ़ना कहाँ से है, इसके बाद जो है आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या सोर्सेज हो सकते थे, कैसे आप इन्हें एक्सेस कर सकते थे, एक्सेस नोट्स कैसे एक्सेस कर सकते थे, देन तीसरा स्टेप हमने देखा कि आपको जो है SPR कैसे फॉलो करना है। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना कैसे है। कई बार क्या होता है कि हमें टाइम मैनेजमेंट करना होता है, और टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहली चीज कि अपने टाइम को, अपने काम को प्रायोरिटाइज करो कि आपको कौन कौन से काम करने हैं, और काम को प्रायोरिटाइज करने के बाद जो है आप ये देखो कि आप उनको कैसे स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हो। आपके पास कुछ वर्किंग जो है स्लॉट्स होंगे, और उन वर्किंग स्लॉट्स में जितने भी आपके पास डे वाइज स्लॉट्स हैं उनमें अपने प्रायोरिटाइज वर्क को जो है स्लॉट करो ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी।
इससे क्या होगा कि अगर मुझे कोई काम करना है थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको पहले करें, जिसको हम थोड़े देर पे शेड्यूल कर सकते हैं बाद में करने के लिए उनको थोड़ा सा बाद में शेड्यूल करें, और उस बेसिस पे जब अपने काम को आप प्रायोरिटाइज करते हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट में जो है थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। सो आपने इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में ये देखा कि कैसे हम जो है अपने कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, इन सब के अलावा जो है कैसे उन सोर्सेज से आप SPR अप्रोच से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं।